Hello students, today we will be discussing about the basics of speech. You know the definition of speech. Many people would say the act of speaking or expressing or communicating your thoughts. But the definition of speech contains four parts according to me. So let's start with the first one. The first one is let yourself think about the topic. That means you need to think about the topic and you need to gather your thoughts. आपको यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में गंभीरता से सोचना है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, आप उसके बारे में दूसरे लोगों से क्या आपने सीखा है. फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट्स वॉट दे थिंक अबाउट दिस टॉपिक, योर रिलेटिव वॉट दे थिंक अबाउट द टॉपिक, योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर वॉट दे थिंक अबाउट द टॉपिक. जो भी आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे आपको क्या जानकारी मिली है और आपका क्या परसेप्शन बना है उस टॉपिक को लेकर, ये आपको सोचना है पहले. उसके बाद द सेकेंड पॉइंट, गैदर योर आइडियाज एंड बिलीव्स. आपको वो सारी चीजें जो आपने आइडियाज और बिलीव्स इस टॉपिक के बारे में गैदर किया उसे एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए ताकि आपके पास पॉइंटर्स रहें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं और आपको क्या सिखाया गया है. थर्ड पॉइंट इज टू कलेक्ट द फैक्ट्स एंड टू सपोर्ट योर बिलीव्स. आपको अगर लगता है कि ये बिलीव सही हैं, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स गैदर करेंगे. यानी कि जब आप रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में, उसको रिसर्च के दौरान आपको वो डाटा खोजने हैं, वो फैक्ट्स खोजने हैं जो आपके बिलीव्स को, आइडियाज को सपोर्ट कर सके, ताकि जब आप अपने आइडियाज प्रेजेंट करें अपने ऑडियंस के सामने तो ऐसा ना लगे कि आप बिना किसी बेसिस के बोल रहे हैं. आपके पास फैक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये आपको ऑडियंस को बताना होता है. द लास्ट वन इज टू फाइंड अ यूनिक वे टू एक्सप्रेस देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इतना अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद, उनका फैक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर किया है, आइडियाज उन्होंने अच्छे से एक्सप्रेस किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका स्पीच अच्छा नहीं जाता है. दैट इज द रीजन बिकॉज यू डू नॉट पिन पॉइंट वॉट इज द यूनिक वे दैट यू विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस. आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए, आपका अपना एक तरीका होना चाहिए जिस नेचुरल वे में आप दूसरों से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उसी नेचुरल तरीके से आपको अपने आइडियाज, बिलीव्स अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करनी होती है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ फेकिंग इट. जितना ज्यादा आप फेक करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगा याद रखने में, मेमोराइज करने में, प्रैक्टिस करने में. जितना ज्यादा नेचुरल रखेंगे उतना ज्यादा आप अपने 100% दे सकते हैं उस स्पीच को डिलीवर करने में. नाउ इफ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच, तो अगर हम पर्पस के बेस पे, यानी किस लिए हम स्पीचेस देते हैं, इस पर्पस के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें, तो हमारे पास चार क्लासिफिकेशन आते हैं. दैट इज फोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेटिव स्पीच. दिस इज टू इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट जनरल थिंग्स दैट दे शुड नो. ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए जो आप इंफॉर्मेटिव स्पीच देते हैं ताकि लोगों को पता चले, जैसे पॉल्यूशन के बारे में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपना एक एग्जांपल लिया था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं. तो अगर आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर आप अपने किचन में प्लास्टिक के बॉटल्स रखते हैं, अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स रखते हैं, ऑल्सो दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्लास्टिक वेस्ट, एंड वो सारी चीजें पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, तो ये इन्फॉर्मेटिव स्पीच है. आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं कि कोई चीज है जो उन्हें नहीं पता है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच. डेमोन्स्ट्रेटिव और इन्फॉर्मेटिव स्पीच बहुत ही सिमिलर होते हैं. यहाँ दोनों में आप फैक्ट्स से अवेयर कराते हैं अपनी ऑडियंस को, वो सारी चीजें बताते हैं जो उन्हें हेल्प करेगा कहीं ना कहीं टू गेन नॉलेज. डेमोन्स्ट्रेटिव और इन्फॉर्मेटिव में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव में आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्या और कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ वीडियो और ऑडियो ऑफ टेलिंग यू हाउ टू राइट अ प्रॉपर स्पीच, हाउ टू मेक योर ओन ब्लॉग, हाउ टू अपलोड योर वीडियो ऑन यूट्यूब,
ये सारे जो स्पीचेस हैं, ये सारे जो आप वीडियोस देखते हैं, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच हैं, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा सकता है। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, जो आप यूट्यूब पे आजकल हर एक फूड आइटम का रेसिपी देख सकते हैं, यूट्यूब पे डीआईवाई वीडियोस देख सकते हैं, सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता कर 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 दिखाया जाता है कि आपको कैसे अपने गोल को अचीव करना है। नंबर थ्री इज परसुएसिव स्पीच, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज मोटिवेशनल स्पीच। परसुएसिव एंड मोटिवेशनल स्पीच में आप अपनी ऑडियंस को परसुएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग अ स्पीच टू अ नंबर ऑफ पीपल टू मोटिवेट देम टू डोनेट ऑर्गन्स। आप आई डोनेट करने के लिए या कोई भी ऑर्गन डोनेट करने के लिए अगर ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनके डोनेशन से ह्यूमन सोसाइटी को कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उन्हें कितना बेहतर महसूस होगा, उन्हें क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, दोज पीपल हु आर सफरिंग दे कैन एंड देयर सफरिंग बाय डूइंग समथिंग गुड एंड इट विल बी एडेड इन देयर गुड बिहेवियर और करेक्टरिस्टिक करिश्मा। तो ये सारी चीजें जब आप किसी को बताते हैं, ये आप कहते हैं परसुएसिव स्पीच के टाइप में आता है। परसुएसिव स्पीच यानी कि आप बेसिकली अपनी ऑडियंस को मोटिवेट कर रहे हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस आप यूट्यूब पे देखते हैं, वो सारी की सारी परसुएसिव स्पीच हैं, या आप मोटिवेशन स्पीच भी कहते हैं उसे नॉर्मल लैंग्वेज में। द फोर्थ टाइप इज इंटरटेनिंग स्पीच और सेरेमोनियल स्पीच। इंटरटेनिंग स्पीच या सेरेमोनियल स्पीच जो होती है, बेसिकली सेरेमोनियल स्पीच इज मच मोर डिफरेंट। एंटरटेनिंग स्पीच इज बेसिकली वेयर योर एंटरटेनमेंट इज द मेजर पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच। आपके जो स्पीकर हैं उनका ध्यान हमेशा ये रहेगा कि मेरी ऑडियंस हमेशा एंटरटेन होती रही, रादर देन कोई नई इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना या कोई इंस्ट्रक्शन देना या कोई मोटिवेशनल कोटेशन करना। ये सारी चीजें नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट पे ही ध्यान देंगे। जैसे बेसिकली कोई भी सेरेमनी ओपन होने से पहले जो एंकर है, वो कई बार कुछ इंफॉर्मेशन आपको देते हैं या कुछ मजाक करते हैं आपके सामने, कुछ बोलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं कि इस साल ये हुआ, इस साल ऐसा हुआ। वो सारी चीजें जो आपको एंटरटेन करने के लिए बताई जाती हैं, दोज आर बेसिकली इंटरटेनमेंट स्पीच। सेरेमोनियल स्पीच एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाता है, जहां पर आप किसी स्पेसिफिक सेरेमनी में ही उस स्पीच को डिलीवर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेडिंग स्पीच हो गई या फ्यूनरल स्पीच हो गई, जहां पर आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज को एड्रेस कर रहे हैं और उसी चीज के बारे में आप या तो इंटरटेनिंग थॉट्स या हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिविटी दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को। नाउ इफ वी क्लासिफाई दिस इनटू, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर हम किस तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, उस स्पीच डिलीवरी स्टाइल के बेसिस पे क्लासिफाई करें, तब भी हमारे पास चार तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं। बेसिकली दैट इज, देयर आर फोर मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी स्टाइल। फर्स्ट इज इम्प्रॉम्प्टू, सेकेंड इज एक्सटेम्पोरनियस, थर्ड इज मेन्यूस्क्रिप्ट एंड फोर्थ इज मेमोराइज्ड। लेट्स गो टू द फर्स्ट वन। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आपको बेसिकली, आपने ये चीज किसी भी सेरेमनी में या किसी भी फंक्शन में देखा होगा, कई बार आपको स्टेज पर जो एंकर है वो किसी चीफ गेस्ट को या किसी भी आपके जो मेजर अथॉरिटी हैं उनको बुलाते हैं स्टेज पे और कहते हैं कि आइए कुछ शब्द उनके मुंह से सुनते हैं, या लेट्स हेयर सम फ्यू फ्यू वर्ड्स, फ्यू मोटिवेशनल वर्ड्स फ्रॉम आर चीफ गेस्ट। तो ये जो होता है, ये होता है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, यानी कि आपको तुरंत से बोला जाता है कि कुछ शब्द अपने ऑडियंस के सामने आप रखें। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग एंड दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी स्टाइल। द सेकेंड वन इज एक्सटेम्पोरनियस। एक्सटेम्पोरनियस में आपको गैदर करने के लिए टाइम रहता है थॉट्स को, यानी कि आप पॉइंट वाइज उन थॉट्स को गैदर करते हैं कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉल्यूशन के बारे में बोलना है, तो आपने उसका डेफिनेशन, आपने पॉइंट्स गैदर करने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन मार्क किया, फिर आपने टाइप्स मार्क किए, फिर आपने कॉजेस मार्क किए, फिर आपने इफेक्ट्स मार्क किए, और ये पॉइंट्स, आपने जो चार पॉइंट्स बनाए इनके बेसिस पे आप इन चार पॉइंट्स की हेल्प लेकर आप अपना स्पीच बोल रहे हैं। बेसिकली आपके पास पूरा स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा स्पीच लिखा है 4 पेज का और फिर आप बोल रहे हैं, नहीं, आपके पास चार पॉइंट्स हैं और उन चार पॉइंट्स की हेल्प लेकर आप
अपनी तरफ से अपने सिंपल लैंग्वेज में या जो भी आपका कैपेबिलिटी है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप अपने आइडियाज उन 4 पॉइंट्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मिनी स्क्रिप्टेड। मिनी स्क्रिप्टेड मतलब आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी आइडियाज प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेल रिटन स्पीच, यू विल हैव द स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू एंड विद द हेल्प ऑफ आप वो बोलते बोलते अपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करेंगे। आपके पास 3 या 4 पेज का, दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ स्पीच विच इज गिवन लाइक इन ग्रेजुएशन स्पीचेस, लाइक व्हेन द चीफ गेस्ट और द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल ऑफ एन इंस्टीट्यूट गिव्स अ स्पीच, दे हैव अ पर्टिकुलरली स्क्रिप्टेड स्पीच इन फ्रंट ऑफ देम, दे आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स बट स्टिल दे आर गेनिंग द आइडियाज, दे आर सेइंग एग्जैक्टली वॉट हैज बिन रिटन डाउन इन दैट पेपर दैट इज इन फ्रंट ऑफ देम, उसको कहते हैं मेन्यूस्क्रिप्टेड स्पीच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर मेमोराइज्ड, जहां पर आपके पास कोई पेपर हाथ में नहीं रहता है। बेसिकली ये कॉम्पिटिशन में आप देखते ही हैं, जितने भी स्पीचेस कॉम्पिटिशन होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी पेपर, यू हैव टू मेमोराइज ऑल द डाटा दैट यू हैव बीन स्क्रिप्टेड इन अ मैन्युस्क्रिप्ट एंड उसके हिसाब से आप वहाँ प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पीच स्पीकर के पास एक तरह का आप कह सकते हैं फ्रीडम रहता है कि वो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर क्रिएट कर सकता है। ऑफ कोर्स नोबडी इज गोइंग टू मेजरली नो, चाहे आप किसी भी जगह पर आप चेंजेस लाते हैं, बट मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग जब अपने आइडियाज खुद से नहीं लिखते हैं तो वो याद नहीं रख पाते हैं। सो दैट इज व्हाई Going to the first point, that is the definition. If you follow the 4 steps that I have given you, let yourself think about the topic, gather your ideas and beliefs, collect the facts to support your beliefs, find a unique way to express them in an organized manner. अब इस चीज को अगर आप यहाँ पर इन 4 steps को follow करते हैं, आप कोई भी मेमोराइजेशन करने में आपको स्पीच प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद ही के आइडियाज एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यूजिंग सम फैक्ट्स जो आपने रिसर्च से फाइंड आउट किए हैं उनकी हेल्प से एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाया है स्पीच का, और उसी को मेमोराइज करके जो आप ही के आइडियाज हैं उन्हीं को एक्सटेंड करके नर्चर करके आपने स्पीच अपने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करनी है। सो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी अ मेजर इशू इफ यू आर प्रेजेंटिंग योर ओन आइडियाज। Issues will be with those students who will be presenting someone else's ideas. So what you have to do is build up these 4 steps of definition जो आपको बताया गया, ये 4 steps आप follow करिए, अपना एक unique style build up करिए और उसके through अपने ideas को present करिए। That's all for today. Let's meet in the next class.